ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी अनिल यादव की, और ये उस्मापुर गांव में पहुंचे हैं। देखिए ट्रैक्टर चला करके यहां पर लोगों से वोटों की अपील करने आए हैं और उनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। हम आपको बता दें, राव इंद्रजीत सिंह ने अनिल यादव डहीना को कोसली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिलाया है और ट्रैक्टरों से, देखिए ट्रैक्टरों से पहुंच रहे हैं। ये पूरा काफिला अनिल यादव का हम दिखा रहे हैं, ट्रैक्टरों का काफिला, और ट्रैक्टर में देखिए तमाम लोग बैठ करके स्वागत करने के लिए आतुर हैं, और ये ट्रैक्टरों का काफिला है और अनिल यादव खुद ट्रैक्टर चला करके यहाँ पर देखिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए। ये तस्वीर आपको अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रैक्टरों का काफिला है, पीछे गाड़ियों का काफिला है, तमाम लोग जो है उनके साथ हैं और उस्मापुर गांव में पहुंचे हैं। और ये देखिए विक्ट्री का निशान दिखाते हुए तमाम लोग, यानी कि गाड़ियों का काफिला उनके साथ है। ये गांव उस्मापुर है और उस्मापुर के गांव के मंदिर में उन्होंने बाकायदा जो है पहले दर्शन किए हैं और फिर ट्रैक्टर लेके दोबारा से यहां से निकले हैं। और ये अनिल यादव डहीना के साथ जो गाड़ियों का काफिला है ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए ये उस्मापुर गांव में अनिल यादव डहीना पहुंच चुके हैं और अब ट्रैक्टर से उतर के पैदल पैदल जनसभा स्थल तक आ रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं का पहले से ही कहें कि जमावड़ा है और इंतजार यानी कि लोग कर रहे हैं कि अनिल यादव डहीना देखिए उस्मापुर गांव में पहुंच चुके हैं, जो उस्मापुर गांव का मेन मंदिर है। और ये महिलाएं देखिए उनको सुनने के लिए यहां आई हुई है, तमाम महिलाएं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा पीछे का नज़ारा दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर लड्डुओं से तोलने की भी तैयारी हो रही है, ये दिखाएं, क्योंकि हर गांव में जहाँ भी जा रहे हैं तो अनिल यादव डहीना को जो लड्डुओं से तोलने का जो है पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। आशीर्वाद बाकायदा अनिल डहीना ले रहे हैं, फूलों से वर्षा उनकी यहाँ पर की जा रही है। और जान लेते हैं पहले, क्योंकि समय का अभाव है, अनिल जी उस्मापुर गांव में आप पहुंच गए। जी जी सर, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप उस्मापुर गांव की सरदारी पूरा आशीर्वाद दे रही है, आप देख रहे हो कितना जन समर्थन आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, सब पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। ट्रैक्टर लेकर के नए नए तरीके ईजाद करते क्या? नहीं, ये सब मेरे नौजवानों का प्यार है जी। आपको आता था ट्रैक्टर चलाना? ये ठीक है, नहीं ट्रैक्टर चलाना आता था। जाहिर है जमींदार रहे हैं, पूरा इनके खेत खलियान है तो ट्रैक्टर इनको चलाना आता है, लेकिन गाँव के लोगों ने जिस तरीके से ट्रैक्टर पर इनको लेकर के आए और खुद इन्होंने ट्रैक्टर को ड्राइव किया है और अब उस्मापुर गांव में पहुंच गए, मंदिर में दर्शन किया, लड्डू से देखे तोलने की तैयारी है, अभी तुलेंगे। लेकिन एचआर न्यूज के पास भी समय का अभाव है, नेताजी के पास भी समय का अभाव है, तो पहले एक बार बात कर लेते हैं। ये जो गांव उमड़ रहा है पूरा जी, क्या है ये? ये आशीर्वाद है और इनको पता है कि भाई इनने मान लिया कि कोसली से बेटे को ही विधानसभा में पहुंचाना है। राव इंद्रजीत का इशारा तो नहीं है? नहीं, राव इंद्रजीत जी का आशीर्वाद तो है ही और सबका प्यार है, भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा वो कर रही है, राव का तो आशीर्वाद है ही। तमाम महिलाएं देख रहे हैं, गाँव की बुजुर्ग महिलाएं आपको आशीर्वाद देने आई है। हाँ, माताएं बहने सब आशीर्वाद दे, ये तो संकेत दे दिए इन्होंने, तो बैठा दिया आपको समझ लो विधानसभा में। ये तो पूरे संकेत है जी, मुझे विधानसभा में हम पहुँच गए। अब आप क्या करेंगे इनके लिए वो तो बता दो, खुलासा कर दो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी हर गाँव में, अभी पीछे हम पिछले गाँव में गए थे तो वहाँ पानी ऊपर रहता है, उसमें पानी निकास की समस्या है, कहीं मीठ पानी पीने की समस्या है, कहीं अपने फ्लाईओवर की समस्या है, कहीं बाईपास की समस्या है, कहीं इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए ताकि हमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी बहुत सी समस्या है जिनका हम निदान कर रहे हैं। जितना बड़े गांव है, यहाँ लोग उमड़ रहे हैं, राव साहब को भी आज हो जाते तो कुछ और रुख का लग जाता है? नहीं, राव साहब तो आएंगे, अभी 24 तारीख को रैली प्रस्तावित है, बेरली के अंदर फाइनल हो जाएगी आज या कल के अंदर। अच्छा, 24 तारीख को प्रस्तावित रैली है, लेकिन फाइनल अभी उसकी डिटेल नहीं है, वो आएगा आपको अपडेट देंगे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह, जब समझ लीजिए अनिल डहीना के समर्थन में जैसे नामांकन में आए थे, अगर एक रैली कहें कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में कर दी
तो अनिल जी का पूरे जो चुनावी सिनेरियो है वो कुछ अलग ही अंदाज में होगा। और ये गांव के अंदर पूरी तस्वीर ये देखिए, तमाम लोगों ने घेर लिया स्वागत करने के लिए, हाथों में माला लेकर के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और ये अनिल यादव डहिना की लोकप्रियता बताती है कि राव इंद्रजीत सिंह ने इनको टिकट दिला करके कहीं ना कहीं इलाके का मान और सम्मान बढ़ाया है और अब जिता करके इनको विधानसभा चुनाव में भेजेंगे। और ये भाजपा प्रत्याशी की लोकप्रियता है जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप भी इसी गाँव से मंडल अध्यक्ष है, क्या कहेंगे, या तो लिया है अब आपको यहाँ पर भी आगे? जी, लोगों का प्यार है, लोगों भारतीय जनता पार्टी ने जो भाई साहब को टिकट दिया है और लोगों का प्यार है। राव साहब जी का भी आशीर्वाद है इनके साथ, राव साहब का भी आशीर्वाद है। बुजुर्ग महिलाओं से बात करेंगे। अम्मा दे दिया आशीर्वाद आप लोगों ने? आशीर्वाद दे दिया? दे दिया नहीं, डहिना को बन गया बस, समझ पक्का बन गया, बन गया पक्का पक्का पक्का। ये आशीर्वाद आप कैसे लिया? तो मैं सरपंच आप कहाँ से? मैं सनी लता सरपंच, गांव उस्मापुर से ही। उस्मापुर के सरपंच है? हाँ जी। अरे भैया तुमने तो पूरा गांव उमाड़ दिया, क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये अनिल भाई साहब का प्यार और राव साहब का है जी। हमारे नेता हमारे राजा राव साहब है, उनके एक इशारे पे देख लो कितनी जनता उमड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र हित में काम करती है। हर छोटे सवाल ये है, और भी उम्मीदवार आएंगे, किसी के लिए तो थोड़ा बहुत जगह छोड़ो, उनका भी तो आप लोगों को करना है। वो कुछ कुछ नहीं है, सारा जो जो कुछ है वो बीजेपी का है, बिल्कुल पक्का, यानी कि राव बिल्कुल गारंटी, यानी कि राव साहब ने पूरा सरपंच, आप महिला हैं तो आज दिखा दिया आपने, बिल्कुल दिखा दिया। ये गांव की सरपंच क्या नाम बताया? सनेह लता जी है। और नाम भी देखिए, सनेह की लता, यानी कि सनेह लता, पूरा सनेह कहें अनिल डहिना पर बरसा दिया है। और ये पूरा गांव आप देखेंगे, पूरी चौपाल चारों तरफ से खचाखच भरी हुई है, गाड़ियों का जमावड़ा है। और उस्मापुर गांव में जो कहें के इनका सम्मान और कहें के जो इनका आशीर्वाद देने के लिए लोग उमड़े हैं, कहें के इनके जो मामा के गांव गए थे वहां भी शायद ऐसी रौनक नहीं थी, लेकिन उस्मापुर गांव उससे भी ज्यादा बाजी मारेगा। आपको लगता है मामा का गांव भी पिछड़ गया आपका? नहीं, मामा के गांव से आशीर्वाद मिलेगा, यहां से भी पूरा आशीर्वाद। नहीं, आज जो मैं देख रहा हूं, यानी कि देखिए, जी जी, सच्चाई आप मानते हैं इस बात को? नहीं, वहां भी आशीर्वाद, यहां तो बहुत भारी आशीर्वाद है, ऐसी सब जगह से, मेरे हर जगह से जन समर्थन है। भाई मामा के बारे में बोले तो कैसे बोले, क्योंकि वहां से नेक लेना है, भात लेना है, तमाम चीजें, लेकिन उस्मापुर गांव ने एक संदेश दे दिया है, अनिल डहिना जी सीधे विधानसभा में पहुंच जाइए, हमने अपनी तैयारी कर दी है, मंत्री बनाना राव की जवाबदेही जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज़, रेवाड़ी।